जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके लिए पहले हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अभी जो हम सभी लोग एक बड़ा चुनौती को जो है चैलेंज को जो है फेस कर रहे हैं, इसमें हम सभी मिलकर के इस लड़ाई से जो है जीतने का आवश्यकता है। तो जितना भी COVID-19 का एडवाइजरी जारी किया गया है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को जो है बार बार धोना और जो साफ सफाई रखना, अगर कोई लक्षण है तो फिर जो है उसको तत्काल रिपोर्ट करना, इस प्रकार का कई सारा आपको निर्देशों लगातार देते हैं, उसको जो है हमें बहुत अच्छे ढंग से पालन करने का आवश्यकता है। घर में रहना है और स्वस्थ रहना है। लॉकडाउन अवधि में जो है कुछ छूट जो है अभी आजकल दिया जा रहा है, केवल उतने ही जो है कार्यों में जो है लगना है, बाकी पूरा जो है रिस्पॉन्सिबली हमें जो है इस चुनौती को फेस करने का आवश्यकता है। तो यही मैं आप सबसे अपील करूंगा और अनुरोध करूंगा। और आप अभी तक जो है जितना सहयोग किए हैं वो उसके लिए जो है सभी जनता को जो है हार्दिक धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि अभी तक जो है जो भी हम प्रयास किए हैं सब कुछ अच्छे परिणाम जो है दिया है। तो ये सभी जो है आपका मेहनत के वजह से है, तो उसके लिए भी जो है धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये कोई समारोह नहीं है, फिर भी हमारा निवेदन यही था कि एक मैसेज जाए, एक हमको कैसे कोरोना से बचा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रहना, दूसरा मास्क पहना। तो जो सो हम रोज टीवी में सुनते हैं उसी को डीएम साहब ने हमको सबको सुनाया। फैमिलीज को राशन किट दिया गया है। राशन किट मान लीजिए एक परिवार में 6 लोग हैं तो 15 दिन तक चलेगा। उसमें व्यवस्था ये किया है कि उसमें 5 किलो का चावल, 5 किलो का आटा, 2 किलो का दाल, 1 किलो का तेल, 1 किलो सोयाबीन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ये सब एक घर परिवार चलने के लिए सफिशियंट मात्रा में 15-20 दिन के लिए हो जाएगा। तो आज हमने बैरागी कैंप से 200 चिन्हित लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो बीइंग भगीरथ टीम है हमारा शेखर पालीवाल और नोडल अधिकारी, इन सब का सर्विलेंस करके यहाँ बुलाया है। एक अभियान है और जैसा हमारा जो एसपी सिटी है या सीओ सिटी है, ये लोग जब भी कुछ किस जगह पर मदद की जरूरत पड़ती है तो कभी जो है मिशन से संपर्क करते हैं, तो तुरंत और तत्काल रूप से मदद पहुँचा के जो है पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत चुनौतीपूर्ण काम शुरू हुआ है यहाँ से, दूसरे प्रदेशों से आने वालों का और यहाँ से जाने वालों का, किस तरह की चुनौती देख रहे हैं इसको? नहीं, ये एक चुनौती है, लेकिन हम सही तरीके से प्लानिंग करके जो है इसका सही तरीके से एक्चुअली करेंगे, ताकि जो है यहाँ से जो बाहर जाना चाहेंगे तो उनको भी सकुशल जो है हम यहाँ से उनको प्रस्थान कर सकें, और जो भी हमारा राज्य के अंदर आ रहे हैं उनको भी सही तरीके से स्क्रीनिंग करके उनका मेडिकल रिकमेंडेशन के अनुसार जो है उनको होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन या कैसा भी रखना है उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से हमने तैयारी कर रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े स्तर पर यहाँ की यात्री बहुत लोग फंसे हुए हैं, वो भी कहने के यहाँ से जाना चाहते हैं, तो उसका उनका राज्य से भी संपर्क करें, जैसा वहाँ से जो है सब तैयार हो, क्योंकि हर राज्य ने जो है MHA के क्लियरेंस के बाद एक नोडल अफसर को नियुक्त किया है। हमारा राज्य का नोडल अधिकारी जो है उनका राज्य का नोडल अधिकारी से ये करें, जैसा हमें जो है ऊपर से आदेश मिलेगा फिर उनका जो है सही तरीके से प्रस्थान करने का पूरा कार्रवाई जो है किया जाएगा। थैंक यू सर।